हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 6 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर है उसमें एनवायरनमेंट सेक्शन जो है उससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लस एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा जो कि पिछली बार मैंने आप लोगों को दिया था प्रैक्टिस करने के लिए पॉलिटी का। उसमें से एक जो डीपीएसपी वाला क्वेश्चन था उसका सैम्पल आंसर भी देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यही दो एजेंडा है इस वीडियो का, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि अगर जेपीएससी मेंस का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर डीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप नियर फ्यूचर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो डिफरेंशिएट बिटवीन रिनेबल एंड नॉन रिनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशियंसी। इस क्वेश्चन को दो पार्ट है इसमें। पहली बात तो कि आपको डिफरेंस करना है रिनेबल और नॉन रिनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में आपको गवर्नमेंट का स्कीम्स और प्रोग्राम्स वगैरह को डिस्कस करना है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करना है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी हमेशा न्यूज़ में बना रहता है ये मुद्दा, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है इंडियन रिवर्स से रिलेटेड, स्टैटिक पोर्शन है थोड़ा सा, कि क्या क्या चैलेंजेस है उनका सफाई करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उन सबको आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में आपको नमामि गंगे मिशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशंस। ठीक है, समुद्रों पर आपका जो महासागर समुद्र वगैरह है उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का और उसका क्या इम्प्लीकेशंस है, उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। जो इम्प्लीकेशंस है उसको डिस्कस करना है बेसिकली। ठीक है, सी लेवल राइज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इन सब चीज़ों को, तो उसका सोशल डायमेंशन भी है, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए तीनों को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ वीडियो का। वो है कि एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, उसका सैम्पल आंसर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो था लास्ट वीडियो में जो दिया था मैंने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मेयर पायस डिक्लेरेशंस बट क्लियर डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कमेंट एंड शो हाउ फार दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई भी बेसिक बुक जो कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट जो दिया हो रहता है वो बस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिखा हो रहता है, आपको उस पर कमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो लिख भी दिया है कि आपको उस पर कमेंट करना है, तो पहले थोड़ा सा उस पर कमेंट करेंगे। उसके बाद जो है कौन कौन सा डीपीएसपी लागू हुआ है, बेसिकली आपको रूल्स रेगुलेशंस लॉज स्कीम्स इन सब के बारे में लिखना था इस क्वेश्चन में, कि कौन कौन सा डीपीएसपी को किन स्कीम्स के तहत लॉज के तहत लागू किया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में था, तो देख लेते हैं। पढ़कर नहीं बताऊंगा मैं, जैसा कि पिछला भी वीडियो में बताया था, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मेरा पॉइंट है आपको आइडिया देना, आपको प्रिंसिपल्स बताना कि कैसे जो है क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, अगेन देख सकते हैं, जैसा कि पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बॉडी पर आएंगे आप। ओके, डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा कमेंट करेंगे पहले क्या है नहीं है, उसके बाद आप सीधे उस मुद्दे पर आएंगे कि डीपीएसपी जो है किस हद तक लागू किया गया है इन प्रैक्टिस। तो डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और उसके बाद सीधे अपना मेन मुद्दा पर। इसको दो तीन तरह से आप लिख सकते हैं इस आंसर को। मैंने क्या किया है कि कुछ प्रमुख मुद्दा को उठाया है जो कि डीपीएसपी में मेंशनड था और गवर्नमेंट जो है उसको पूरा भी किया। ठीक है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स से रिलेटेड हो, ये सब जो है आपका डीपीएसपी में मेंशनड है और सरकार इसके ऊपर मतलब सफिशियंट कदम अब तक उठाया है, तो इसलिए उस तरह से इसको मैंने लिखा। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते थे, सीधा जो है जो कदम उठाया गया है उसको आप मेंशन कर देते कि ये काम किया है जो कि फलाने डीपीएसपी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मुद्दा को पहले टॉपिक बना दिया, हेडिंग बना दिया है, उसके बाद जो है उसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको आप। जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 में जो डीपीएसपी दिया हुआ है उसको पूरा करने का कोशिश किया गया है लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा। ओके, उसी तरह लेबर रिफॉर्म्स का बात किया जाए तो आर्टिकल 39, 42, 43, 43A, इन सब में किसी ना किसी तरह का लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया है डीपीएसपी में।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उन लॉज के बारे में बता सकते हैं जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर चुका है और जिसमें वो प्रोविजंस हैं जिनके बारे में इन आर्टिकल्स में बात किया गया था। तो आपका जो आंसर का पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में यही पूछा ही जा रहा है कि कौन कौन सा DPSP गवर्नमेंट किस हद तक लागू किया है, तो आप बता सकते हैं। फिर लॉज को फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपका वर्ड लिमिट जो है काफ़ी क्रॉस करने लगेगा। उसी तरह पंचायती राज सिस्टम के बारे में आर्टिकल 40, उसके बारे में आप बता सकते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव्स, इनके बारे में आर्टिकल 43 में मेंशनड है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ किया है, तो विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सिल्क बोर्ड, कॉयर बोर्ड, इन सब का स्थापना किया गया है बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से आप आंसर जो है क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार रखिए और उसको लिखिए, ठीक है। आपको क्या आता है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके इर्द गिर्द हमेशा आपका आंसर डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि मतलब उससे भटकना नहीं है। उसी तरह एजुकेशन के बारे में फिर आप बता सकते हैं। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, RTE एक्ट के बारे में बता दीजिए और आर्टिकल 45 को मेंशन कर दीजिए कि उसमें जो है ये सब लिखा हुआ था और सरकार उसको पूरा किया। उसी तरह फिर आप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में तो मतलब कितना सारा लॉज है, जितना जानते हैं सब लिख दीजिए वहाँ पर, और बताइए कि आर्टिकल 48A में जो प्रोमिसज किया गया था उसको पूरा करने का कोशिश किया गया है इन इन्वायरमेंटल लॉज के द्वारा। उसी तरह रूरल डेवलपमेंट, अगेन रूरल डेवलपमेंट के लिए भी 1000 प्रोग्राम है, जितना ज़्यादा आपको याद आता है वहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। और आर्टिकल 47 फिर आप मेंशन कर दीजिए कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, इन सबको इम्प्रूव करने का बात किया गया था DPSP में, और गवर्नमेंट इन प्रोग्राम्स के तहत जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आपका जय स्कीम जो है, जन आरोग्य योजना, उसके बाद मनरेगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब पास्ट में जो आया है इन सबको मेंशन करते हुए आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 47 का प्रोमिसेस को पूरा करने का कोशिश किया गया, ठीक है। उसके बाद हेरिटेज प्रिजर्वेशन का भी बात किया गया है आर्टिकल 49 में DPSP में, तो उसके लिए भी एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 1958 में, तो इन सबको आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर। और अगेन जब आप कर लेते हैं ये सब, तो फिर आपको अपना वर्ड लिमिट देखना होगा, आपको कितना स्कोप बचता है आपको लिखने के लिए। लिखने के लिए तो अभी बहुत कुछ है, बहुत सारा DPSP है जिसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उस दिशा में काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप ट्राइबल वेलफेयर के बारे में बता सकते हैं, स्कीम्स के बारे में, जिसका कि आर्टिकल 46 में बात किया गया है, ठीक है। चिल्ड्रेन और वुमेन के लिए कई सारे वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हर कुछ अगेन, आप जानते कितना भी हो आप हर चीज़ वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि समय का वहाँ पर पाबंदी होता है, प्लस जो है आपको वर्ड लिमिट का भी पाबंदी होता है, ठीक है। समय भी आपके पास अनलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है। तो देखकर इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर फटाफट लिख पाए, है ना। तो ये सब हो गया, कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं कि DPSP जो है कई सारा लागू तो किया गया है लेकिन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। कई बार उनको सही तरीके से, उन लॉज को जो कि DPSP को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उनको पर्याप्त रूप से फंडिंग नहीं किया जाता है उनको, या पर्याप्त रूप से पावर्स नहीं दिया गया उन बॉडीज़ को जो क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से अभी भी वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे पंचायती राज वगैरह इंस्टीट्यूशंस का आप बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब आप कुछ इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं अपना आंसर को, ठीक है। और कई सारा DPSP जो है अभी जो बिल्कुल उस पर लॉ ही नहीं बना है अभी, ओके, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि कई सारा DPSP जो है अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ओके। प्लस आपको अगर कुछ स्टेट लॉज के बारे में भी पता है तो उसको भी आप मेंशन करने का कोशिश कीजिएगा। स्टेट लॉज जो है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट तो विभिन्न लॉज के थ्रू, रेगुलेशंस, रूल्स के थ्रू DPSP को पूरा करने का कोशिश किया गया है, और लेकिन आप अगर आपको लगता है कि आपका जो है अभी भी वर्ड लिमिट काफ़ी बचा हुआ है और आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो स्टेट लॉज वगैरह को भी आप थोड़ा लो प्रायोरिटी रखते हुए लेकिन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी कई तरह का स्कीम वगैरह चलाता है या एक्ट लाया है इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका स्कोप बनता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट है आपके पास इसमें लिखने के लिए कि इसको करने का ज़्यादा स्कोप बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जो भी हिंदी में
फॉलो करते हैं इन सब आंसर्स को। देखिए अगर आप इसको पढ़ते हैं वाकई में तो आपका शब्द चयन जो है मुझसे बेहतर भी हो सकता है, ठीक है। मैं बेसिकली इंग्लिश में ही, चूँकि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही इन सब चीज़ों को मैं बताकर आपको और ट्रांसलेट कर देता हूँ। कई बार ट्रांसलेशन में उतना अच्छा नहीं ट्रांसलेट हो पाता है जितना कि एक्चुअली में जब हिंदी में लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कहीं पर कि आप और बेहतर शब्द चयन कर सकते हैं तो आप उसको जो है कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये इसको आप बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड मान लेंगे, ओके। आप इससे बेहतर हो सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो का एजेंडा, उम्मीद है आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा। और इसी तरह आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा और कुछ आंसर्स भी करवाता रहूँगा रेगुलरली, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।